तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपना पूरा आर्मर सब कुछ डायमंड का कर लिया था, और फार्म वार्म जो मैंने बनाया था उसकी मदद से हम लोगों ने शोवल से लेके सब कुछ बूट वूट सब कुछ कर लिए थे डायमंड के। अभी मैं पहले फर्स्ट पर्सन में चला जाऊँ तो आपको मैं अपनी स्किन भी दिखाता हूँ। नई मैंने जो है एक नई स्किन ली है, ये देखो मैं एक और स्किन पैक लिया। मैं बहुत सारी स्किन आई पर ये वाली सबसे अच्छी लगी मेरे को। आपने उसको पहले भी देखा होगा शायद। तो आज मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं, ये मेरा आयरन फार्म। मैं जैसा गोल्ड फार्म ये सब बना लिया था वैसे ही आयरन फार्म भी बना लिया। तो क्योंकि मेरे पास गोल्ड और डायमंड तो अनलिमिटेड और आयरन बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए मेरे को ये बनाना पड़ा। नहीं, आयरन की बहुत सारा कमी हो रही थी। इसका भी वही है, बस लीवर ऑन करना है और वही होता है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है तो पता चल जाएगा। और ये देख सकते हैं हमने एक और मैंने ये बना लिया। मैंने बहुत पहले बना लिया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था इसको। ये शुगर केन फार्म बाकी चीज़ों के लिए मैंने बनाया है और आगे कर लिया। और ये अपना कासल की एंट्रेंस। और मैंने जो कंपास बना लिया है आयरन की मदद से, वो जो है मैं कासल के बेड पे इशारा नहीं करता, वो इशारा करता है बगल वाली विलेज पे। अब जिन लोगों ने पहला एपिसोड देखा है वो समझ गए होंगे कौन सी वाली विलेज। उसी विलेज के पास में स्पॉन हुआ था और वहाँ पे पहली बार सोया था शायद से, इसलिए वो दिखाता है, पता नहीं। तो गले में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, थोड़ी पतली पतली सी आवाज़ आ रही होगी, क्या पता। तो ये कंपास जो है वो उधर पे इशारा करता है। अभी मैं वहीं पे ही जा रहा हूँ, बहुत पास है वो विलेज, कोई दूर नहीं है वहाँ पे। फिर एक विलेजर से मैंने जो है ट्रेडिंग भी की थी, 26 कोल के बदले एक एमरिल, कितना महंगा। और अभी वही मेरे को 16 कोल के बदले शायद से एक एमरिल दे रहा है, मतलब लूट लिया मेरे को। लेकिन ठीक है, और नीचे नीचे और भी रहते, ऊपर एक रहता है और नीचे और रहते हैं। बस हम लोग आने ही वाले। हाँ आ गया, देखो वो आपको गोले मेरे सब दिख गया होगा। ये खड़ा है वो विलेजर, मेरे को आग नहीं लग जाए, बस लग गई। चलो हम लोग मरेंगे नहीं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अभी ये आग चली जाए उसके बाद में आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, मेरे को आपको जो बताना। हाँ चलो, तो वो देख सकते हैं आपको मेरा कासल भी दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है वहाँ पे नेदर का वो सब दिख रहा है। और ये वो विलेजर 15 कोल के बदले अभी हमें कोई एमरिल दे रहा है। ये आर्मर है अभी लेवल 1 का है। अब फिर यार जो नीचे हैं वो और भी रहते हैं, तो आज इन लोगों को हम लोग अपने कासल में लेके जाएंगे एक ही साइड पे। और ये देख सकते हैं नीचे ही मैं स्पॉन हुआ था, उसके बाद ऊपर आया था, यहाँ पे सोया भी था, उधर जाके अपना कासल बना लिया। बहुत पास में वैसे कोई दिक्कत है नहीं उस कंपास से। और अभी मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ अपने कासल पे, चाहे वो उधर पे भी इशारा करें, हम लोग इधर साइड से जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उधर साइड से कोई भी दिक्कत नहीं। और कोऑर्डिनेट्स तो हैं ही। फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये थोड़े बहुत जो चेंजेस किए थे। सबसे पहले तो चेस्ट देखो, ये इसमें चेस्ट में पूरा नेदर का सामान है वो वाली तरह नॉर्मल। और ये मैग्मा ब्लॉक मेरे को मिला था, मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे नीचे में माइनिंग की थी, मेरे को मैग्मा ब्लॉक, ये ब्लैक स्टोन देख सकते हो, नेदर इधर तो बहुत सारा है, और नेदर रैक। और अरे यार ये क्यों तोड़ दिया मैंने, मैं चेंजेस दिखा दूँ आपको पहले। फिर ये वाला जो देख सकते हैं इसमें सब अपना इस टाइप का सामान होगा, आप देख ही सकते हो। और मैं डायमंड की पिकेक्स चेंज कर ली क्योंकि मेरी इस वाली की हेल्थ ख़त्म होने वाली। इस रूम में मैं बनाने वाला हूँ अपना नया नेदर पोर्टल। आप बोलोगे नया क्यों, तो इसलिए क्योंकि वो वाला बहुत ही घटिया जगह पर है, पूरा एकदम बंद जगह पर रहता वो वाला। और यहाँ जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा इंचेंटमेंट का रूम, जब और इंचेंटमेंट टेबल बना लेंगे तो उसको यहाँ पे रखेंगे बुक शेल्फ से। और उसका जो पूरा फ्लोर है मेरे को सही से करना है, अभी तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है। और अभी देखते हैं क्या दिख रहा है। और हम लोग को है जो है एक बोट बनानी है वो विलेजर्स को लाने के लिए, उसके लिए एक शॉवल चाहिए। मेरे पास वुड की तो नहीं है, मेरे को लग ही रहा था वुड की नहीं है, वुड की शॉवल चाहिए तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा कमी ना हो जाए। और ये बोट बना ली मैंने, तभी इसको मैं बताता हूँ होता कैसे है। तो देखो बोट को ऐसे रख लेना, वो विलेजर जब इसमें बैठ जाए तो बस इस पर बैठ के
चला लेना है। अब ये आपको पता है ये तो वाटर के लिए होती है, लेकिन ऐसे में भी चल जाती थोड़ी बहुत, उसी में लाना पड़ेगा, नहीं तो माइनकार्ट से ला सकते, पर उतना सामान है नहीं अभी, इसी में लाएंगे, कोई नहीं टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको दिखाने नहीं वाला उनको लाने वाला, नहीं तो फिर वीडियो आ ही नहीं पाएगी। अभी तो अभी नहीं ला रहा है, अभी मैं उनके लिए जगह बना लूँ, तो पहले तो इसको वापस ले लूँ मैं। चलो, अरे हाँ अब ठीक है, ये शॉर्टकट से जाएंगे, गिरना नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ इनके बनाऊंगा क्या, तो देखो अभी मैं कोई टाउन हॉल वाउन बना नहीं रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हो सकता है टाउन हॉल बनाए बड़ा सा। अभी मैं क्या करूँगा वो तो एक क्या आप लोग थोड़ा सा सोचोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी और देखो मैं क्या करूँगा, ये ऐसा फिर यहाँ पे ऐसा, शायद से बहुत लोग समझ गए होंगे। अभी मैं ये जो जगह देख रख रहा हूँ जो एम्प्टी है, उसमें आएगा विलेजर, मतलब कि सीधा ट्रेडिंग है उसके लिए, लेकिन अभी बाद में हम लोग टाउन हॉल बना लेंगे, नहीं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए टाउन हॉल बनाना तो ज़रूरी है। अभी मैंने इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, मतलब ख़त्म नहीं हुआ वीडियो, इतना ही करूँगा मैं। अभी नेक्स्ट एपिसोड में जो है हम लोग हो सकता टाउन हॉल बनाए, पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है। अब देख सकते हो 5 विलेजर्स की प्ले, और अरे यहाँ नहीं लगाना था, और ये स्टोन उठा के मेरे को जो है वो ब्रिक्स लेके आनी थी स्टोन की, पर मैं लाना भूल गया, इसलिए मेरे को कोबल स्टोन से करना पड़ रहा है। तब आप देख के समझ जाओ, यहाँ पे अंदर होगा विलेजर, बाहर से बस ऐसे जाके ट्रेडिंग कर लेनी है। तब मैं विलेजर्स को लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फटाफट से मैं विलेजर ले आता हूँ, और ऐसे होगी ट्रेडिंग, मैं आपको बता दे रहा। अब ये हटाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं विलेजर लेके आता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको। सो ओके गाइस, मैं यहाँ पे विलेजर को लेके आ चुका हूँ, और मेरा हालत जो है वो ख़राब हो चुका है पूरा, और ये 5 विलेजर हैं। तो सबसे पहला है लेदर वर्कर, जो मेरे को अभी 6 है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये है स्टोन मेशन, पता नहीं है क्या करेगा। ये है फ्लेचर, और हाँ ये वाला है टूल स्मिथ, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। और ये है मेरा फेवरेट कार्टोग्राफर, जो कि बाद में हम लोग को ओशन एक्सप्लोरर या फिर वुडलैंड मेंशन का मैप देगा, तो मज़ा आएगा। लाइब्रेरियन नहीं है, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड से पहले कुछ भी करके मेरे को लाइब्रेरियन चाहिए, देखना पड़ेगा यूट्यूब पे लाइब्रेरियन का कैसे करते हैं। ये मेरे को अभी 6 लेदर के बदले 1 एमरल्ड दे रहा है, मेरे पास 6 की 6 लेदर है ना शायद से, पता नहीं, देखनी पड़ेगी। और ये फ्लेचर है, ये मेरे को 2 एमरल्ड के बदले वो देगा, पर बाद में, अभी नहीं लेवल 2 पे, इसलिए उसके साथ ट्रेडिंग ज़रूर करूँगा मैं। ये हाँ 6 है मेरे पास, 6 लेदर हैं, तो पूरे मैं उसको दे नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं पूरे दे दिया तो दिक्कत है, अभी नहीं दूंगा पूरे, मैं काऊ का फार्म बनाऊंगा उसके बाद दूंगा उसको। अभी मेरे को शुगर केन फार्म भी बनाना है, एन्चेंटमेंट और बहुत कुछ करना है अभी। तो अभी मैं स्टिक्स बनाने आया था, लेकिन मेरी सिर्फ 4 स्टिक्स बन पाएंगी, मैं प्लैंक्स लेके आता हूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगा, मैं प्लैंक्स लेके आने पड़ेंगे। अब पहले देख लूँ अंदर है कि कुछ नहीं है यार, प्लैंक्स नहीं है, प्लैंक्स अभी मैं ले आऊँगा, फिर देखना पड़ेगा यार क्या हो गया है, प्लैंक्स लेके आता हूँ मैं। अभी तो रात हो रही है, लेकिन मैं ले आता हूँ पहले। तो ओके गाइस, मैं प्लैंक्स लेके आ चुका हूँ, और अभी मैं स्टिक्स बना देता हूँ। 32 प्लैंक्स हुए, मतलब वुड लाया, उससे प्लैंक्स बना लिए मैंने। अरे मेरे पास कितनी हो गई, 32 की 32 स्टिक्स हो चुकी है, थोड़ी और ज़्यादा कर लेते हैं, ताकि देनी उसको 32 ही है। हाँ चलो, अब चलेंगे उसके पास और 32 की ट्रेडिंग करके आएंगे उससे 1 एमरल्ड की। बाद में कौन सी और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, लेवल 2 पे एक बंदा मेरे को वो देगा, सही चीज़ है। और ये लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते, और अरे भाई ये क्या कर रहा है विलेजर के मुंह पे, तू हट इधर से, कहाँ चला गया सर, उचक के उधर चला गया शायद। छोड़ो, अपन को क्या करना, किससे करनी थी उनको ट्रेडिंग, तुझसे करनी थी क्या? हाँ इसी से करनी थी, और इससे मैंने अभी 1 एमरल्ड है
वो ले लिया है, और मैं बाद में भी इससे स्टिक्स दे के और ट्रेडिंग कर लूँगा ताकि ये जल्दी लेवल 2 का हो जाए। तो फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।